तो भाई लोग हम निकल चुके हैं अपने घर से मॉर्निंग वॉक के सुबह सुबह। कल रात मुझे बहुत लेट नींद नहीं जल्दी नींद आ गई क्योंकि हम लोग गए थे घूमने तो 11 बजे समथिंग हम वापस आए और जल्दी सो गए थे। तो अब हम सुबह मैं जल्दी उठ गया तो अब मैं फ्रेश वगैरह होके मैंने शावर वगैरह ले चुका हूँ और आज हम जा रहे हैं चामुंडी हिल्स। तो आज आपको यहाँ के टेम्पल दिखाते हैं, फेमस टेम्पल है यहाँ का मैसूर का। तो आपको मिलते हैं फटाफट से चामुंडी हिल्स के लिए। तो हम निकल चुके हैं चामुंडी हिल्स के लिए, हमने ऑटो ले लिया है क्योंकि फिर हम ब्लॉग आराम से शूट कर पाते हैं। ओला है, ये ओला नहीं लिया इस बार मैंने, डायरेक्टली मैसूर एक जहाँ मैं रहता हूँ गोकुलम वहीं पे चौक है वहाँ से मैंने ऑटो लिया है। तो मैं निकल चुका हूँ टेम्पल के लिए। 700 रुपीज़ ले रहे हैं मुझसे ये आने जाने का क्योंकि ये वहाँ पे वेट भी करेंगे एक घंटा या डेढ़ घंटा जितना भी हम वहाँ पे घूमते हैं तो ये वेट करेंगे हमारा पूरा, फिर इसलिए 700 में रेडी हुए। तो सही है मेरे हिसाब से कि गूगल पे ओला में भी 1 साइड 200 है या 180 समथिंग, ठीक है कोई नहीं चल सकते हैं। जहाँ हम जा रहे हैं उस मंदिर की एक खासियत है कि यहाँ पर मैसूर नाम जो पड़ा है यह महिष्मासुर की वजह से पड़ा है क्योंकि यहाँ महिष्मासुर का वध किया था चामुंडेश्वरी माता ने। तो आज हम वही मंदिर पे जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कितना सुंदर है यहाँ का मंदिर। और मैसूर एक बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत ही सुंदर सिटी है क्योंकि यहाँ सब कुछ पास पास है। मेन बात यह है कि यहाँ पैलेस बहुत सारे हैं, यहाँ ग्रीन पार्क बहुत अच्छे अच्छे हैं, झील है और बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल हैं। तो आप ज़रूर आइए मैसूर और देखिए कितनी सुंदरता है यहाँ पर आके आप देख सकते हैं। बहुत ही ये तमिलनाडु के पास ही पड़ता है, कर्नाटक के अंदर है पर तमिलनाडु के पास पड़ता है। और एक कुछ यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत कुछ अच्छे अच्छे मतलब बनाए जाते हैं पैलेस जैसे, ये कि आपने देखा भी ग्लास का बनाया गया है तो यहाँ चल ही रहा है इस पर काम भी। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि इंडिया में सबसे साफ़ सुथरा देश मतलब प्लेस आई मीन सिटी सबसे सुंदर मैसूर ही बोली जाती है। और ये कि ये वाइट रंग की बिल्डिंग है और यहाँ पे बहुत सारी इस टाइप की बिल्डिंग्स हैं मतलब बहुत ज़्यादा। और ये एक फेमस बिल्डिंग है, मुझे इसका नाम नहीं पता बट ये काफ़ी फेमस है, ये ऊपर से भी दिखती है चामुंडेश्वरी माता से। और अभी हम पहुँच चुके हैं चामुंडेश्वरी माता के रास्ते पर तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, पूरा ग्रीन ग्रीन। और यहाँ के पहाड़ आप देख सकते हैं कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर हैं। तो आप वीडियो का मज़ा लीजिए और बाकी आपको दिखाते रहेंगे मैसूर जल्दी जल्दी। और भी जगह हम जाएंगे घूमने के लिए क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ योगा सीखने के लिए। तो मैं हर सैटरडे संडे निकलता हूँ बाहर और तो फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ आप देख। तो हम पहुँच चुके हैं टेम्पल और आपको दिखाते हैं टेम्पल कैसा है। ये पार्किंग है पूरी देख सकते हैं, ये है टेम्पल का रास्ता, ऊपर जाएंगे और आपको दिखाते हैं हमें क्या क्या लेना है। कुछ शॉप्स भी हैं देख सकते हैं बच्चों के खिलौनों की और चप्पल वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। ये भी है रोड में से, हम मेन रोड से जाएंगे, यहीं से जाते हैं। हम भी सामने दिख रहा है टेंपल का टॉप देख सकते हैं, ये चामुंडी हिल्स टेंपल है। ये रास्ता है कुछ ऐसा यहाँ का, यहाँ शॉप लग चुकी हैं अभी लग रही है मतलब। हम जा रहे हैं देखिए सीढ़ियां बनाई गई है, पूरा कवर है यहाँ बारिश वगैरह की वजह से, इसके अंदर भी शॉप लग चुकी है देखते हैं। यह है पूरा टेंपल, ऊपर भी पार्किंग है देखिए सारा सारा इतना बढ़िया लग रहा है। नहीं मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ, ये देखिए अभी हम ले रहे हैं पूजा के लिए प्रसाद वगैरह। तो ये पूरा है यहाँ पे भी सुंदर सुंदर फूल है, इसमें कमल का, गुलाब का, गेंदे का और दो नारियल हैं। हमने फूल ले चुके हैं देख सकते हैं। नो सर पूजा अभी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये यहाँ पर है टिकट, पर टिकट है 30 और 100 रुपीज़ का और अभी मैं ले रहा हूँ 100 का टिकट यहाँ से भेजिए भैया। तो भैया से हमने 100 वाला टिकट लिया है, वो उसमें क्योंकि जल्दी लाइन मिल जाती है, यहाँ बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है तो आप देख सकते हैं। 400 मेरे वापस टिकट आ चुका है, ये है यहाँ का टिकट
टिकट फिर आपको प्रसाद मिलेगा बाद में, लड्डू और एंट्री मिलती। हम जा रहे हैं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, देख सकते हैं बहुत ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा। तो अब हम जाएंगे क्या बोलते हैं लड्डू लेने, ठीक है अब लड्डू लेते हैं। ये देखिए पीछे टेम्पल पूरा ये है चामुंडी हिल्स, पूरा आसपास का इलाका कैसा है। पीछे है चामुंडी हिल्स टेम्पल, देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा रश है आज यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा था कि आज फ्राइडे है तो कम रश होगा, पर आज भी बहुत रश है। सैटरडे संडे तो बहुत ज़्यादा रहता है, आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। टेंपल बहुत सुंदर है, यहाँ पर इस तरह के टेंपल बहुत हैं वैसे तो, पर ये फेमस टेंपल है यहाँ का, चामुंडी माता है एक ये। अभी हम दूसरे टेंपल पे जा रहे हैं तो आपको जल्दी मिलते हैं वहाँ पर। यहाँ पर बंदर भी बहुत हैं तो ध्यान से रहें, बंदरों से बच के रहें। हम आ चुके हैं पार्किंग में दोबारा, अब हम एक दूसरे टेंपल पर जाएंगे जहाँ पर है नंदी महाराज का टेंपल, मतलब नंदी जी की मूर्ति बहुत बड़ी। ये देखिए हमारा ऑटो रेडी हो चुका है, फुल पावर में हम निकल चुके हैं यहाँ से, तो अभी हम जा रहे हैं नंदी जी की मूर्ति के पास। बहुत ही बड़ी नंदी जी की मूर्ति है, आपको जल्दी दिखाते हैं। यहाँ से हमें पूरा वापस जाना पड़ता है टेंपल से नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है वो टेंपल का रास्ता अलग से, तो अब हम सबको दिखाते हैं। बहुत ही भीड़ है देख सकते हैं, से है जाने का रास्ता बुल टेंपल के लिए, यहाँ पर बुल टेंपल बोलते हैं, आप देख सकते हैं ये लिखा है बुल टेंपल। यस एक पॉइंट है जहाँ से पूरा मैसूर दिखता है, तो आपको दिखाते हैं हम आपको, ये बनाया गया स्पेशली पॉइंट दिखाने के लिए। ये बुल टेंपल लिखा है उस रास्ते का जहाँ हम जाने वाले हैं, तो उस टेंपल जाने से पहले ही पड़ता है ये, मैं आपको दिखा मैसूर यहाँ से आपको दिखाई देगा पूरा मैसूर। ये बोर्ड लगाया है यहाँ पर से, आप देख सकते हैं पॉइंट व्यू, व्यू पॉइंट है ये, यहाँ पर सब कुछ बना है क्या क्या यहाँ से रोड पे है, तो देख सकते हैं ये है चामुंडी हिल्स एंड ये है वो मूर्ति जहाँ हम जाने वाले हैं। ये है वो रास्ता जिधर से जाते हैं चामुंडी हिल्स, और ये है वुल्फ का रास्ता, आपको दिखाते हैं अभी हम जा रहे हैं बुल टेंपल। यहाँ लिखा है बुल टेंपल, आपको बुल टेंपल ही बोलना पड़ रहा है मुझे। ये देखिए ये है चामुंडी हिल्स का टेंपल, और ये है बुल टेंपल का रास्ता, रोड का नाम ही बुल रोड लिखा है। ये है वन वे रोड, तो यहाँ से वापस नहीं आ सकते, तो ये हम जा रहे हैं बुल वाले रास्ते, बुल टेंपल रास्ते पे, तो यहीं से हम निकल जाएंगे नीचे मैसूर के लिए। देख सकते हैं कैसे पहाड़ हैं यहाँ के, पूरे पथरीले बड़े बड़े पत्थर हैं, आप देख सकते हैं चामुंडी हिल्स देख सकते हैं यहाँ से। अभी हम जा रहे हैं बुल की तरफ, और ये पूरा मैसूर देखिए, ये पॉइंट से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम, ये देखिए पूरा, और चारों तरफ मंकी ही मंकी है यहाँ पे। तो अब निकल रहे हैं हम आगे की तरफ, दिखाते हैं पूरा टेंपल। यहाँ पे भी दुकानें हैं देख सकते हैं, अभी हम जा रहे हैं उधर की तरफ, दिखाते हैं फटाफट से। और चामुंडी हिल से भी ऊपर से लोग आ रहे हैं, तो ये है वो टेंपल जो आप बता रहे थे, यहाँ पे बुल कहते हैं, और ये नंदी जी का मूर्ति है। और ये देखिए ऊपर से भी रास्ता है चामुंडी हिल से आने का, तो ये है वो पूरा, और एक बहुत बड़ा पत्थर भी है यहाँ केव शिवा टेम्पल। अभी उधर भी जाते हैं, देखिए ये पूरा सिर्फ केव कैसी है, तो थोड़ा साइलेंट होना पड़ेगा, वीडियो नहीं बना सकते, यहीं से आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ये मूर्ति, बहुत ही बड़ी, देख सकते हैं पूरा पूरा का पूरा मूर्ति नंदी महाराज की, और यहाँ कहते हैं बुल। निकल चुके हैं यहाँ टेंपल से, अब सीधे जाते हैं मैसूर जहाँ हम रह रहे हैं घर में, आप देख सकते हैं ये है पूरा टेंपल। तो बस अब मिलते हैं आपको मैसूर में अंदर में, ये है पूरा ये ऊपर चामुंडी हिल से भी आ रहा है वो,
पैदल के लिए है, तो यहाँ से पैदल भी आते हैं लोग। आप देख ही रहे होंगे वीडियो में कि यहाँ लोग पैदल भी आ रहे हैं, और यहाँ पे सीढ़ियों से भी रास्ता है, लगभग 1000 से भी ज़्यादा सीढ़ी बताते हैं कि जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए, चामुंडेश्वरी माता के मंदिर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। तो लोग पैदल भी जा रहे हैं, ऑटो गाड़ी वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। आप आइए और आके देखिए कितना प्यारा है।